हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल तेज ऑफ नॉलेज। स्टूडेंट्स, टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोना एक्सप्लेन कंप्लेन लेटर अगेंस्ट द पोस्टमैन। जी स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन कराने वाला हूँ कंप्लेन लेटर। तो जाने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जो टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, लेटर्स जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे फॉर्मल लेटर हो या फिर इनफॉर्मल लेटर हो, इसके बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। फिलहाल आज हम जानेंगे कंप्लेंट अगेंस्ट द पोस्टमैन, मतलब पोस्टमैन के खिलाफ शिकायत करने के संबंध में जो लेटर राइट किया जाता है उसको किस टाइप से राइट किया जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि किसी भी लेटर को राइट करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए उसका फॉर्मेट। जी हाँ, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर्स, टू टाइप्स के लेटर्स होते हैं, इसके बारे में हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। साथ में मैंने आपको यह भी बताया था कि फॉर्मल लेटर को लिखने का फॉर्मेट क्या होता है और इनफॉर्मल लेटर को लिखने का फॉर्मेट क्या होता है, किस टाइप से फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर को लिखा जाता है, क्या कुछ तरीका होता है, क्या कुछ फॉर्मेट होता है, ये मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कराया था। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि एक बार आप हमारे चैनल पर विजिट कीजिए और प्लेलिस्ट को चेक करिए, वहाँ पर आपको फॉर्मेट मिल जाएगा। फिलहाल हम समझने वाले हैं कंप्लेन लेटर। तो जो कंप्लेन लेटर होते हैं स्टूडेंट, कंप्लेन लेटर भी आपके फॉर्मल लेटर की कैटेगरी में आते हैं। जस्ट स्टूडेंट्स, कंप्लेन लेटर किसी भी तरह की कंप्लेंट करने के लिए जो लेटर्स को राइट किया जाता है वो हमारे फॉर्मल लेटर ही होते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कंप्लेंट अगेंस्ट द पोस्टमैन। इस लेटर के क्वेश्चन को पहले हम समझ लेते हैं, इसके बाद हम इस लेटर के आंसर को, इस लेटर को डिटेल में समझेंगे किस टाइप से लेटर को लिखा जाता है, प्रैक्टिकल में आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम इसके क्वेश्चन को समझते हैं और ये जानते हैं कि क्वेश्चन से हमें क्या कुछ आइडिया मिल जाता है, क्या कुछ पता चल जाता है कि आंसर में हमें क्या क्या चीज़ें राइट करना है। 8400400400, जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का तुरंत मिलेगा वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फ़ोन में डाउट नट का 8400400400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की आपको बस फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकेंड में आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT JEE नीट CBSE बोर्ड्स और सभी स्टेट बोर्ड्स के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8400400400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन कुछ इस टाइप से आता है, द पोस्टमैन ऑफ योर एरिया इज रूड एंड इरेगुलर। मतलब यह है कि आपके एरिया का, आपके इलाके का जो पोस्टमैन है वो रूड है और इरेगुलर है, ठीक है, रूड है और इरेगुलर है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है राइट अ लेटर टू द पोस्टमास्टर। तो अब यहाँ पर बताया जा रहा है राइट अ लेटर, तो आपको एक लेटर राइट करना है, किसको राइट करना है, टू द पोस्टमास्टर। तो अब यहाँ पर पता चल गया है कि लेटर आपको जो राइट करना है वो किसको राइट करना है, पोस्टमास्टर को राइट करना है। तो ये आपको समझ में आ गया है कि लेटर जो आपका राइट किया जाएगा, जो लिखा जाएगा, वो पोस्टमास्टर को लिखा जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई, ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। ये डेजिग्नेशन हो गया, डेजिग्नेशन आपको पता चल गया, पोस्ट आपको पता चल गई कि लेटर आपको जो लिखना होगा वो पोस्टमास्टर को लिखना है, ये डेजिग्नेशन आपको पता चल गया क्वेश्चन से, ठीक है। अब इसके बाद देखिए आगे आप कंटिन्यू रीड करेंगे तो आपको पता चलेगा कंप्लेनिंग अगेंस्ट द पोस्टमैन ऑफ योर एरिया, ये स्टूडेंट्स आपको मिल गया सब्जेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन में ही आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, आपको समझ में जाएगा, ज़्यादा कुछ लिखना नहीं होगा, थोड़ा बहुत आपको अलग से राइट करना होगा, बहुत कुछ हेल्प आपको क्वेश्चन से ही मिल जाएगी अगर आप क्वेश्चन को डिटेल में रीड करते हैं तो। फिलहाल कंप्लेनिंग अगेंस्ट द पोस्टमैन ऑफ योर एरिया, ये आपको सब्जेक्ट मिल गया, आपको पता चल गया कि इस टॉपिक के ऊपर आपको लेटर राइट करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। क्लियर हो रहा है ना, सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही है। तो कंप्लेनिंग अगेंस्ट द पोस्टमैन ऑफ योर एरिया, या फिर इसको लोकेलिटी भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं, यू आर गुरप्रीत सिंह, तो यहाँ पर आपको नेम बता दिया गया है। जी हाँ, मतलब कि जो लेटर राइट करने वाला जो सेंडर्स नेम और एड्रेस लिखते हैं ना, तो सेंडर्स नेम में क्या बता दिया गया है, गुरप्रीत सिंह। तो यहाँ पर आपको सपोज मान लेना है कि आप गुरप्रीत सिंह हैं, ठीक है, तो ये एक नेम मेंशन कर दिया है, उन्होंने बता दिया है कि आप गुरप्रीत सिंह हैं, मान लीजिए। देखिए एड्रेस क्या बताया जा रहा है, लिविंग एट 12 सेक्टर 25 मॉडल टाउन जालंधर। तो क्या एड्रेस बताया जा रहा है, लिविंग एट 12, तो 12 नंबर यहाँ पे ये हाउस नंबर होता है, उसके बाद सेक्टर 25, तो सेक्टर क्या होगा, 25 होगा, मॉडल टाउन, ये मतलब आपका जो एरिया है वो मॉडल टाउन है और कहाँ पर है, जालंधर में, ठीक है। तो ये आपको एड्रेस भी मिल गया, आपको पता चल गया। तो आपको रिसीवर्स के बारे में पता चल गया है कि रिसीवर्स कौन है, मतलब कि उसका जो डेजिग्नेशन है वो क्या है, किसको लेटर राइट करना है, और राइट करने वाला जो सेंडर्स होता है तो सेंडर्स का नेम क्या है, सेंडर्स का एड्रेस क्या है, ये सारी चीज़ आपको पता चल गई हैं। बस इन चीज़ की हेल्प से आपको लेटर राइट कर देना है, ठीक है। चलिए फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम लेटर राइट करेंगे, तो समझ लेते हैं लेटर आपको किस टाइप से लिखा जाएगा। तो इसको मैं आपको एक्सप्लेन कराया था।
तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने क्या करा, सबसे पहले हमने लिख दिया 11 सेक्टर 12। तो हम ऊपर देख लेते हैं कि यहाँ पर हमें जो एड्रेस था, तो यहाँ पर सॉरी ये 12 था, तो इसको आप 11 कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने 11 लिख लिया है तो ये 11 है, ठीक है, ये थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, मिसप्रिंट हो गया है तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे 11 है तो यहाँ पर भी 11 आ जाएगा, अगर यहाँ पे 12 होता तो यहाँ पर भी आपको 12 राइट करना होता है, ठीक है स्टूडेंट, कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ऊपर जो एड्रेस दिया गया है वही एड्रेस आपको यहाँ पे राइट करना होता है, लेकिन स्टार्टिंग में जो आप एड्रेस राइट कर रहे हैं वो किसका होता है, वो होता है आपका सेंडर्स एड्रेस, जी हाँ, किसका होता है, सेंडर्स मतलब के भेजने वाले का, ठीक है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, तो सेंडर्स एड्रेस राइट किया जाता है स्टार्टिंग में फॉर्मल लेटर को राइट करने के लिए, ठीक है, तो सेंडर्स एड्रेस में हमने यहाँ पे 11 लिखा, सेक्टर 25 लिख दिया, 11 सेक्टर 25 मॉडल टाउन जालंधर, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 लाइन्स में हमारा सेंडर्स एड्रेस आ जाना चाहिए, तो ये हमने सेंडर्स एड्रेस राइट कर दिया है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, हमने थोड़ा सा स्पेस दिया, मतलब कि आपको एक लाइन ड्रॉप कर देना है, जब आप आंसर शीट में इस टाइप से लेटर लिखे तो आपको एक लाइन आपको ड्रॉप कर देना है, ठीक है, तो एक लाइन आपको ड्रॉप करके आपको डेट लिखना है। अब डेट क्या लिखना है, जिस डेट में आपका एग्जाम होगा, जिस डेट में आप लेटर राइट कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स आपको वो डेट को राइट कर देना है, और डेट को राइट करने का फॉर्मेट भी मैंने आपको बताया था, तरीका बताया था कि डेट किस टाइप से राइट की जाती है, मतलब कि 8th November 2022 हो सकता है, 21 हो सकता है, जिस डेट में आपका एग्जाम हो वो राइट कर लीजिएगा, या फिर इसको आप यू भी लिख सकते हैं, आप पहले मंथ भी लिख सकते हैं, आप यू लिख सकते हैं नवंबर, राइटिंग पे ध्यान नहीं दीजिएगा, नवंबर कितनी है 8, और इसके बाद आप कॉमा लगाकर यहाँ पर जो आपके ईयर है 2021 है या जो भी कुछ है वो लिख सकते हैं, ठीक है। एक बार मैं फिर से आपको क्लियर बता देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए इसको, जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो, नवंबर, ठीक है, इसके बाद कितनी है 8, और इसको सेपरेट करने के लिए कॉमा लगाइए और 2021, ये तरीका है, इस तरीके से भी आप डेट लिख सकते हैं, या फिर पहले आप डेट लिख दीजिए 8th November 2021-22, जब भी आपका एग्जाम हो, जो भी डेट हो, वो डेट को आपको राइट कर देना है। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 8/11/2021 जो भी कुछ है, तो ये रॉन्ग होगा, ये तरीका नहीं है, फॉर्मेट में मैंने आपको एक्सप्लेन करा दिया था कि लेटर लिखने का फॉर्मेट क्या होता है और डेट को किस टाइप से राइट किया जाता है, ठीक है। फिलहाल हमने डेट राइट कर दी, डेट के बाद आपको फिर एक लाइन को ड्रॉप कर देना है, तो हमने एक लाइन और ड्रॉप कर दिए, स्पेस यहाँ पर दे दिए। इसके बाद हमने जो लिखा है वो रिसीवर्स का, हम जो उसका डेजिग्नेशन लिखते हैं और एड्रेस लिखते हैं, तो देखिए हमने रिसीवर्स में क्या लिख दिया, द पोस्ट मास्टर, तो किसको राइट करना था, हमें पोस्ट मास्टर को राइट करना था, ये हमें सब्जेक्ट में पता चल गया था, तो यहाँ पर हमने लिख दिया है द पोस्ट मास्टर, ठीक है। इसके बाद हमने लिख दिया जनरल पोस्ट ऑफिस जालंधर, मतलब कि कहीं आप GPO देखा होगा तो इसको आप GPO भी लिख सकते हैं, ठीक है, GPO का मतलब यही होता है जनरल पोस्ट ऑफिस, ठीक है, तो GPO भी आप लिख सकते हैं, तो GPO मतलब जनरल पोस्ट ऑफिस जालंधर, तो ये हमने जो एड्रेस लिखा हुआ है, ये हमने रिसीवर्स का क्या लिखा हुआ है, डेजिग्नेशन लिखा हुआ है और उसका एड्रेस लिखा हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो रहा है। इसके बाद हमने यहाँ पे सब्जेक्ट ले लिया है, तो सब्जेक्ट हमें क्वेश्चन में मिल गया था, सब्जेक्ट कंप्लेंट अगेंस्ट द पोस्टमैन ऑफ अवर एरिया, ठीक है, तो देखिए मैंने आपको बताया था कि आपका जो सब्जेक्ट हो तो सब्जेक्ट ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, तो सब्जेक्ट आपका ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 लाइन में होना चाहिए, ठीक है, तो जैसे कंप्लेंट अगेंस्ट द पोस्टमैन इतना भी लिख सकते हैं, या फिर ऑफ और एरिया हमने ये भी लिख दिया, तो 5-6 लाइन का लगभग आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, तो ये हमने सब्जेक्ट लिख लिया है कंप्लेंट अगेंस्ट द पोस्टमैन ऑफ और एरिया, या फिर कंप्लेंट अगेंस्ट द पोस्टमैन, ये भी आप राइट कर सकते हैं, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया है, ठीक है स्टूडेंट, क्लियर हो रहा है ना, थोड़ा सा टाइम लग रहा है लेकिन आपको समझ लेना है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, वीडियो को इसकी बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि अगर आप एक बार समझ लेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगी, किसी भी लेटर को आप इजीली तरीके से राइट कर सकते हैं, स्पेशली कंप्लेंट लेटर को आप राइट करना सीख जाएंगे, ठीक है। इसके नीचे हमने लिख दिया है सर, डायरेक्टली हमने सर लिख दिया है, सर के बाद आपको कुछ भी स्पेस नहीं छोड़ना है, आपको नेक्स्ट लाइन में आ जाना है, तो ये आप नेक्स्ट लाइन में आ गए, और देखिए हमारा लेटर किस टाइप से लिखा जाएगा, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टू द फैक्ट दैट, तो आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टू द फैक्ट दैट, मतलब कि मैं आपका ध्यान इस ओर खींचना चाहता हूँ, कि क्या है इसका मतलब, मैं आपका ध्यान, आई वुड लाइक टू ड्रा मतलब होता है खींचना, योर काइंड अटेंशन टू द फैक्ट दैट, मैं आपका ध्यान इस तथ्य की ओर खींचना चाहता हूँ कि मिस्टर रमेश गुप्ता, देखिए यहाँ पर हमने हमारे इलाके का जो पोस्टमैन था उसका नेम भी लिख दिया, मिस्टर रमेश गुप्ता द पोस्टमैन ऑफ अवर एरिया इज वेरी केयरलेस एंड इरेगुलर, तो मिस्टर रमेश गुप्ता जो है वो द पोस्टमैन ऑफ अवर एरिया, हमारे एरिया का पोस्टमैन है, इज़ वेरी केयरलेस मतलब वो बहुत ही ज़्यादा केयरलेस है, लापरवाह है, इररेगुलर है, क्या है, इररेगुलर है मतलब कि वो रेगुलर नहीं है, ठीक है, ये चीज़ें हमने यहाँ पर यूज़ कर ली हैं। इसके बाद देखिए हमने आगे लिख दिया ही डज़ नॉट कम रेगुलरली, ये लाइन भी हमने बढ़ा दी है, वे रेगुलरली नहीं आता है,
नियमित रूप से नहीं आता है, वी गेट लेटर्स 2-3 डेज लेट, मतलब कि हमें लेटर्स 2 या 3 दिन बाद मिलते हैं, वी गेट लेटर्स 2 या 3 डेज लेट, तो हमें जो लेटर्स मिलते हैं वो 2 या 3 दिन बाद मिलते हैं। इसके बाद हमने राइट किया हुआ है ही नेवर डिलीवर्स द पार्सल इन टाइम, तो हमारे जो पार्सल रहते हैं वो कभी भी समय पर डिलीवर नहीं करता है, ठीक है, समय पर उनको डिलीवरी नहीं देता है, ठीक है। इसके बाद हमने राइट कर लिया है समटाइम्स, मतलब कभी कभी ही मिस डिलीवर्स द लेटर्स, तो हमारे जो लेटर्स हैं वो मिस डिलीवर्स कर देता है, मतलब कि गलत हाथ में दे देता है, रॉन्ग पर्सन को वो देकर चला जाता है, रॉन्ग हैंड में दे देता है, किसी की डाक किसी को दे दी जाती है, ठीक है, ये बात हमने लिख दी है। इसके बाद एक स्टूडेंट हमने लिख दिया ही बिहेव्स अस वेरी रूडली, मतलब कि वे हमसे बहुत ही रूडली बिहेव करता है, बहुत बेरुखेपन से हमसे बिहेव करता है, अच्छे तरीके से बिहेव नहीं करता है, तो ही बिहेव्स अस वेरी रूडली। इसके बाद देखिए हमने क्या लिखा है, व्हेन वी कंप्लेन टू हिम, जब हम उससे शिकायत करते हैं, ही मेक्स मैनी एक्सक्यूजेज, वे बहुत सारे एक्सक्यूजेज देता है, बहुत सारे बहाने बनाता है, बहुत सारे बहाने हमें वो बताता है, अगर हम उससे शिकायत करते हैं कि भैया टाइम पर क्यों नहीं आते, टाइम पर डाक डिलीवर क्यों नहीं करते, तो वो हमें एक लंबी चौड़ी लिस्ट बता देता है बहानों की, एक्सक्यूजेज की, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद देखिए आपको करना क्या है, आपको लास्ट में लिखना है सो आई रिक्वेस्ट यू, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ लुक इनटू द मैटर, मामले की जांच कीजिए, मामले को देखिए, एंड टेक अ सुटेबल एक्शन अगेंस्ट हिम, और उसके खिलाफ एक सुटेबल एक्शन लीजिए, या फिर और ट्रांसफर हिम टू अनदर एरिया, या फिर आप उसका किसी दूसरे एरिया में ट्रांसफर कर दें, ठीक है। तो ये लाइन भी लिखना कंपलसरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये लाइन राइट करना, सो आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, विनती करता हूँ टू लुक इनटू द मैटर, कि इस मैटर को देखिए, इस मामले की जांच कीजिए, एंड टेक अ सुटेबल एक्शन अगेंस्ट हिम, और उसके खिलाफ एक सुटेबल एक्शन लीजिए, या फिर उसका ट्रांसफर कर दीजिए दूसरे एरिया में, ठीक है। इसके बाद हमने लास्ट में लिख दिया है थैंकिंग यू, और थैंकिंग यू लिखने के बाद जो आपका फॉर्मल लेटर होता है उसको क्लोज किया जाता है योर्स फेथफुली से या सिंसियरली से, तो हमने यहाँ पे लिख दिया योर्स फेथफुली, और लास्ट में हमने सेंडर्स नेम राइट कर दिया, ठीक है, गुरप्रीत सिंह, जो कि हमें ऊपर बता दिया गया था, कहाँ बताया था, क्वेश्चन में हमें बताया था कि यू आर गुरप्रीत सिंह, तो हमने लास्ट में लिख दिया है गुरप्रीत सिंह, और इस टाइप से हमारा जो लेटर है ये कंप्लीट हो गया है। बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने आपको एक्सप्लेन कराया है, तो अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो अगर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं तो वहां पर मैं आपको इसकी PDF प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से आप इसकी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, तो इजीली तरीके से आपको ये पूरे लेटर की PDF मिल जाएगी। होप दैट ये लेटर आपको समझ में आ गया होगा, आपको पता चल गया होगा किस टाइप से कंप्लेन लेटर को राइट किया जाता है, जिससे कि आप सही लेटर को राइट करके और इसके पूरे पूरे मार्क्स आपको एग्जाम में मिल सके। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सारे दोस्तों को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और हाँ स्टूडेंट्स, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि जैसे भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। अगर आपका कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं।